स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए क्षितिज काव्यखंड कक्षा 10 उत्साह कविता से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए आप इसे अवश्य देखें। देखिए यहाँ पे पद्यांश आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें MCQ प्रश्न होंगे 5 और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या आ सकता है कोई भी चैप्टर। तो इसमें पद्यांश और बहुविकल्पीय यानी 5+2 7 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखते हैं हम इसी से रिलेटेड। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में उत्साह कविता की कुछ लाइनें आ गई और वहीं से आपसे पद्यांश पूछा जाए। पद्यांश भी दो तरह से आता है, एक आता है पठित पद्यांश, एक आता है अपठित पद्यांश। तो यदि हम बात करें पठित पद्यांश की, तो जो आपकी सिलेबस में है उत्साह कविता, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए संभावित प्रश्न आ सकते हैं, तो हम MCQ आपके लिए लाए हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में किसके गरजने की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, बिजली, बादल, शेर, लेखक। तो सही आंसर है बादल। दूसरा प्रश्न, उपरोक्त पद्यांश की कविता और उसके लेखक कौन है। एक प्रश्न अवश्य आएगा इस तरह का, लेखक और उसके चैप्टर का नाम। तो देखिए ये कविता जो है वो है उत्साह कविता और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको सही आंसर लिखना होगा एग्ज़ाम में। दूसरा प्रश्न आएगा, उपरोक्त पद्यांश में लेखक गगन को घेरने के लिए किसे आमंत्रित कर रहा है। 4 ऑप्शन दे देंगे, बिजली, बादल, विकल्प का और खा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको देना होगा बादल। धराधर को अन्य किन नामों से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपके पास, मेघ, बादल, घन, उपरोक्त सभी। तो देखिए धराधर यानी बादल और मेघ भी इसे कहते हैं और घन भी कहते हैं, तो उपरोक्त सभी। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न होगा, पद्यांश के अनुसार धराधर के कैसे बाल हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे, सुंदर और काले घुंघराले बाल, नए और सफ़ेद, छोटे छोटे बाल, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपको देना है सुंदर और काले घुंघराले बाल। कविता के अनुसार या पठित पद्यांश के अनुसार आपको आंसर देना है, सिलेबस के अनुसार है ये। तो अगला प्रश्न, पद्यांश के अनुसार किसके हृदय में बिजली की चमक विद्यमान है। 4 ऑप्शन दे देंगे, बिजली, बादल, शेर, लेखक। तो देखिए बादल के हृदय में बिजली की चमक विद्यमान है, यदि हम कविता को ध्यान से पढ़ें तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेखक ने किसे नया जीवन देने वाला और नूतन कविता के समान बताया है। बिजली को, बादल को, लोगों को, स्वयं को। तो सही आंसर होगा बादल को। उपरोक्त पद्यांश में लेखक ने बादलों की गर्जना को किसका प्रतीक माना है। 4 ऑप्शन आपके पास आएगा, उत्साह का, क्रांति का, शेर की दहाड़ का, उपरोक्त सभी। तो देखिए बादलों की गर्जना को लेखक ने माना है उत्साह का प्रतीक, लेकिन बादल को क्रांति का प्रतीक माना है और उसकी गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। अगला प्रश्न, कविता में बादल को किसका प्रतीक माना गया है। देखिए आंसर आ गया है यहाँ पे, क्रांति, चेतना, वर्षा या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा क्रांति का। तो बादल को तो क्रांति का प्रतीक माना गया है और बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, तो क्रांति, उत्साह, प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। अगला जो प्रश्न होगा, उत्साह कविता के अनुसार लोग क्यों बेचैन और परेशान थे। तो देखिए 4 ऑप्शन होगा, गर्मी से, वर्षा न होने से, बादलों के न आने से, उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। उत्साह कविता के अनुसार बादल किस दिशा से आते हैं। तो देखिए पद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो सही आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा या अज्ञात दिशा। तो हमें पता चलेगा कि सही आंसर है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। सही आंसर है अज्ञात दिशा। अगला प्रश्न है, धरा शब्द का क्या अर्थ है। धरा किसे कहते हैं, धरती, बिजली, बादल, मेघ। तो देखिए पर्यायवाची शब्द भी आपको आने चाहिए, सही आंसर होगा धरती को। अगला जो प्रश्न होगा वह है, घेर घेर
घोर गगन धराधर ओ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए पंक्ति आ जाएगी और पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, तो सही आंसर होगा, चार ऑप्शन दे देंगे, यमा, उपमा, अनुप्रास और अतिशयोक्ति। सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से भी आपसे पूछा जा सकता है। कविता में लेखक बादल किसकी प्यास बुझाने की बात कर रहे हैं? चार ऑप्शन हैं आपके सामने, धरती, जन, नदी, उपरोक्त सभी। तो किसकी प्यास बुझाने की बात हो रही है? धरती की। सही आंसर होगा ऑप्शन का। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में लेखक बादल से क्या अनुनय विनय कर रहे हैं? गरजने की, बरसने की, गगन को घेरने की या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। बादल को गरजने के लिए भी कहा जा रहा है, बरसने के लिए भी कहा जा रहा है और साथ ही गगन को घेरने के लिए भी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पंक्ति में उन्मन शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए उन्मन शब्द का अर्थ ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके सामने, परेशान, कहीं ना टिकना, विकल्प का और खा। तो देखिए विकल्प का और खा सही होगा, परेशान भी होता है और कहीं ना टिकना, दोनों आंसर सही होंगे। तो चार ऑप्शन को आपको सही देखना है और सही आंसर लिखना है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। लेखक ने बादलों को अनंत के घन कहकर संबोधित क्यों किया है? तो सही आंसर आपको देना है, चार ऑप्शन है, बादल हमेशा अज्ञात दिशा से आते हैं, बादल आकाश में मंडराते रहते हैं, बादलों का कोई अंत नहीं है, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, धरा का विपरीतार्थक शब्द होगा या क्या है? तो देखिए बिजली, बादल, गगन और धरती। तो विपरीत यानी उल्टा शब्द, धरा का मतलब धरती और इसका विपरीत होगा गगन। सही आंसर है गगन। देखिए अगला प्रश्न, घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल में कौन सा अलंकार है? तो देखिए उपमा, यमक, पुनरुक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति। तो चार ऑप्शनों में से सही आंसर जो होगा वह है पुनरुक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, निदाघ शब्द का क्या अर्थ है? सुंदर, गर्मी, नया, आकाश। तो निदाघ का सही अर्थ है गर्मी। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।